का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पर आज मैं ITI वाले बच्चों के लिए फिर एक नई बम्पर वैकेंसी लेकर आया हूं जो इलेक्ट्रीशियन विद्युत विभाग के लिए है। इलेक्ट्रीशियन फिटर मतलब ITI के विभिन्न ट्रेडों के लिए यहां पर मांग रखी हुई है। ये नहीं कि केवल ओनली ITI इलेक्ट्रीशियन को मांग रहे हों, ऐसा नहीं है। फिटर व्यवसाय के भी बच्चे इसमें आवेदन ऑनलाइन करेंगे। ये जो है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो है उपक्रम है, जहाँ पे आपकी विद्युत जो बनती है तो वहाँ पे जो वैकेंसी निकली हुई हैं ये अच्छी पोस्ट है, परमानेंट वैकेंसी है और डायरेक्ट पेपर देने के बाद आपका सिलेक्शन कंफर्म जो है हो जाएगा और आवेदन जो है आपका ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा यहाँ पर। और इसमें सब लोगों के लिए जो है अनारक्षित वर्ग के लिए अलग पोस्टें हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए अलग पोस्टें हैं, अनुसूचित जाति के लिए अलग पोस्टें हैं और यहाँ EWS आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उनके लिए भी पोस्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर तीन ट्रेडों के जो व्यवसाय वाले को मांगा गया है यहाँ पर। यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड सेकेंड TG2 जिसको बोलते हैं, यहाँ टेक्नीशियन ग्रेड सेकेंड यांत्रिक मतलब फिटर के लिए यहाँ पर पोस्टें निकली हुई हैं, साथ में इलेक्ट्रीशियन के लिए भी हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए भी हैं। यहाँ पर तीन व्यवसाय के लिए यहाँ पर जो है इस सरकार ने जो है यहाँ पर इस वैकेंसी को ओपन किया है और यहाँ पर वेतन आपका जो है 28,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपका जो वेतन मान लगेगा। साथ में आपको अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएँ जो है आपकी हाई स्कूल में विज्ञान और गणित जो फिटर व्यवसाय के लिए हैं पद के लिए जो इस पे अप्लाई करेंगे उनके पास कम से कम हाई स्कूल विज्ञान और गणित के साथ या उसके समकक्ष या फिटर ट्रेड तथा फिटर ट्रेड का अखिल भारतीय मतलब NCVT या SCVT सर्टिफिकेट आपका और DOEC या CCC सर्टिफिकेट मतलब कंप्यूटर का जो है आपका कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट का CCC का जो है प्रमाण पत्र आपका होना अनिवार्य है। दूसरा TG2 ये टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड विद्युत इलेक्ट्रीशियन पद के लिए जो है यहाँ पर हाई स्कूल में विज्ञान और गणित व्यवसाय के साथ और इसके साथ इस इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का NCVT या SCVT प्रमाण पत्र और साथ में CCC व्यवसाय का जो यहाँ पर CCC कंप्यूटर बेस का जो कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट का जो है प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको देना अनिवार्य है। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट के लिए जो है ITI इंस्ट्रूमेंट के लिए जो यहाँ पर ट्रेड के लिए हाई स्कूल विज्ञान और गणित विषयों के साथ और साथ में इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट के जो बच्चे हैं उनका राज्य व्यवसायिक प्रमाण पत्र या मार्कशीट और साथ में CCC का जो है सर्टिफिकेट आपका अनिवार्य रहे। और जो है इन चीज़ों को आप ध्यान में रखकर जो है इसको फॉर्म को अप्लाई करिए। इसकी जो आयु है आपकी 18 साल से 40 साल तक है और जो एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा वो भी आपको साथ में मिल जाएगा। उसके साथ साथ इसमें आपको कितनी फ़ीस कटानी है ये मैं आपको जो है जानकारी दे रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पर इसकी फ़ीस की डिटेल दी हुई है यहाँ पर। ये आपका टेक्नीशियन ग्रेड सेकेंड का जो है अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के जो बच्चे हैं उनका ₹826 GST सहित कटेगा और जो अन्य श्रेणियों में आते हैं जो अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं उनका 826 है और जो अन्य श्रेणी में बाहर के भी कैंडिडेट्स जो आएंगे उनका जो है ₹1180 प्लस GST यहाँ पर GST सहित जो है आपका पेमेंट कटेगा। और इसको भरने के बाद जो है आपकी जो पेपर होगा वो CBT माध्यम से होगा कंप्यूटर बेस पर और उसके बाद यहाँ पर पेपर में आपके आएगा क्या मैं यहाँ पर भी इसको भी क्लेरिफाई कर रहा हूँ। यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड जो पद कोड 123 के लिए है तो यहाँ पर आपको 200 मार्क्स का जो है पेपर आपका आएगा, 150 नंबर के आपका जो है सिलेबस आएगा, आपका टेक्निकल का जो क्वेश्चन है वो आएगा। यदि आप फिटर व्यवसाय से हैं तो आप फिटर संबंधित थ्योरी का आपका क्वेश्चन आएगा और इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय से हैं तो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का आप संबंधित ट्रेड का आपका जो है व्यवसाय का आएगा और साथ में इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से हैं आप तो यहाँ पर भी 150 नंबर का उसका थ्योरी का आपका जो है सिलेबस का आएगा। उसके बाद 50 नंबर में आपका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप जो है आपका जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज, रीजनिंग ये जो है आपका आएगा और साथ में फॉर एवरी करेक्ट आंसर 1 मार्क्स विल बी अवॉइडेड एंड 0.25 मार्क्स जो है आपका रॉन्ग आंसर मतलब एक पर एक कटेगा। यहाँ पर माइनस मार्किंग भी दी रखी है इन्होंने। तो जो है फार्म को जो अप्लाई करने के बाद आप जो है इसकी तैयारी कंफर्म करते रहिए और जो है इसकी तैयारी कंफर्म करते रहिए और आप इस पेपर को निकालिए और इसका ओपनिंग डेट जो है 12/7 से जो है इसका जो फॉर्म अप्लाई होने लगेगा और 5 अगस्त 2022 को जो है इसका क्लोजिंग हो जाएगा। सबमिशन मतलब आपका पेमेंट कटवाने की लास्ट जो अंतिम तिथि 5/8/2022 है उसके बाद ही फॉर्म क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो जल्दी करिए और 12 तारीख का इंतजार करिए और तैयारी कंफर्म करते रहिए, 12 तारीख का इंतजार करिए और इस फार्म को अप्लाई करिए, बिजली विभाग के कर्मचारी बने और फिर एक नई वैकेंसी के साथ मैं फिर से आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।